तो आज हम ये देखने वाले हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। बच्चों, कोवलेंट कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले हम जस्ट कोवलेंट बॉन्ड का जो कंसेप्ट है उसको रिकॉल कर लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है? कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब जो कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के रिजल्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलती है उस प्रोडक्ट को हम मॉलिक्यूल्स या फिर कोवलेंट कंपाउंड्स का नाम देते हैं। क्लियर? कि कोवलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के रिजल्ट में जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनती है, उस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। द कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो कोवलेंट कंपाउंड्स किसी से बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स से। क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में ना तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, आयंस तो बनते ही नहीं है, तो ये किसी से मिलकर बने होते हैं? मॉलिक्यूल से, दैट आर फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देयर एटम्स। और उनकी फॉर्मेशन कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से एटम्स के दरमियान। तो अब हम ये देखते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो किस तरह के एटम्स के दरमियान बनता है। बच्चों, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो टू नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। कोवलेंट बॉन्ड इज जनरली रिगार्डेड एज वीकर देन एन आयोनिक बॉन्ड। अब बच्चों, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो एज कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड कंसिडर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेज होती हैं वो वीक होती हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर नॉन मेटल्स। कोवलेंट कंपाउंड्स टू या फिर टू से ज्यादा नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं। लोअर मोलेकुलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस आर लो बॉइलिंग पॉइंट्स। बच्चों, जिन कोवलेंट कंपाउंड्स का मोलेकुलर मास कम होता है ना, वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। कॉन्ट्रेरी टू इट, हायर मोलेकुलर मास कंपाउंड्स आर सॉलिड्स। लेकिन जिन कोवलेंट कंपाउंड्स के मोलेकुलर मास हाई होते हैं वो सॉलिड्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों, अब नीचे कुछ जनरल प्रॉपर्टीज गिवन है कोवलेंट कंपाउंड्स की, उनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट, दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं। दे आर यूजली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। द कंपाउंड्स हैविंग पोलर करेक्टर इन देयर बॉन्डिंग आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। लेकिन बच्चों, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर पोलर करेक्टर पाया जाए, ठीक है, जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करें ना, पोलर सॉल्वेंट्स लाइक जैसे वाटर है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl है। अब HCl जो है ना, उसके अंदर पोलर करेक्टर पाया जाता है, हमने पढ़ा था पोलर कोवलेंट बॉन्ड में। तो जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। यूजुअली कोवलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनके अंदर पोलर करेक्टर पाया जाता है, जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे आर यूजली इनसॉल्युबल इन वाटर। बच्चों, ये मोस्टली वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं, बट आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। और ये नॉन एक्वस मतलब वाटर के अलावा जो सॉल्वेंट्स होते हैं ना, लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, एसीटोन, इनमें ये सॉल्युबल होते हैं। और बच्चों, लास्ट प्रॉपर्टी है, लार्ज मॉलिक्यूल्स विद थ्री डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म कोवलेंट क्रिस्टल्स विच आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड। अब जो लार्ज मॉलिक्यूल जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड वगैरह है, क्लियर, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर थ्री डायमेंशनल बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट क्रिस्टल्स बनाते हैं, और ये मोस्टली स्टेबल और हार्ड होते हैं, और डेफिनेटली इनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे वो हाई होंगे। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स।